नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा JC की वैकेंसी निकाल दी गई है, उसका फॉर्म भी चालू है। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने जो आ रही है वो यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट JCA में एक तो पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, दूसरी बात उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा, पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में कहीं ऑप्शन ऐसा तो नहीं कि हिंदी में ना आए, तमाम ऐसी जानकारी के लिए यहाँ पे। और दूसरी बात, जब आप फॉर्म भर देते हो तो सबसे बड़ी जो बात होती है कि हम तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें, क्या सही होगा पढ़ना, क्या सही नहीं पढ़ना होगा, बुक्स क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कोचिंग कौन सी लेना ले, इन तमाम सारी जानकारी को लेकर मैं आपके सामने इस सेशन में आया हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये पूरे करीबन 30 मिनट के सेशन में हम लोग एक एक बारीकियों को समझेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट को समझेंगे जो शायद अभी तक किसी को नहीं पता है। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन में 2013 के जो रिट दायर हुआ था उससे लेके आया हूँ। और एक चीज़ देखा जाए तो अभी नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने केवल 5 पेज का नोटिफिकेशन दिया है, उसमें ना ही कहीं कैटेगरी का मेंशन किया है किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, ना ही कहीं सेक्शनल कट ऑफ का दिया है, ना ही कहीं ये बताया है कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ना ही ये बताया है टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा, और ना ही ये बताया है कि जो फाइनल मेरिट बनती है वो कितना होती है। और इन सबको साथ में लेके कट ऑफ का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस पूरे 30 मिनट आपको वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल में कुछ बेसिक्स की पॉइंट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ देखने के लिए, वो आप देख लो। एक तो क्या है कि तैयारी कैसे करें जब आप फॉर्म भर दिए हो, तो उसके लिए एक बेस्ट जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी सबसे ज़्यादा परेशान हो, 50 क्वेश्चन अंग्रेजी आ रहा है, कहाँ से करें। दूसरी बात, कंप्यूटर के प्रश्न कैसे होंगे, ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किताबें, कोचिंग, नोट्स और टेस्ट के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बात है कि हर स्टेज में सेक्शनल कट ऑफ होता है और फाइनल मेरिट सब मिला के बनती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व दो चीज़ें आप जान लो। एक तो ये कि JCA का कोर्स चल रहा है और अभी ये केवल 2 दिन तक ऑन किया गया था 50% ऑफ, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे ये बोला गया है कि फिर से 1000 की जो फीस है वो 50% ऑफ पे 499 मिल रही है और ये अगले 2 दिन के लिए केवल रहेगी। तो आज ही अगर आप इससे जुड़ना चाहो तो परीक्षा प्लस ऐप से, आप परीक्षा प्लस ऐप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, ये आपका परीक्षा प्लस ऐप है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को और यहाँ से कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। हालांकि हम लोग आते हैं जो हमारा मुख्य वो है, उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि हर संडे को फ्री टेस्ट होता है जिसमें 1000 रुपये जो टॉपर होता है उसे कैश प्राइज दिया जाता है। इस संडे को भी कैश प्राइज दिया गया है। इस संडे को जो टेस्ट होने वाला है वो कौन सा है, UP SSC PT का है और कांस्टेबल का है। ये आपका 26 जून को होगा, है ना, ये 26 जून को अगले संडे को होगा 11 AM और 4 PM पे। आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट JCA का है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट JCA की जो वैकेंसी निकल गई है, देखा जाए तो 210 पद हैं और इस वर्ष 2022 में 210 पद हैं। 2017 में इसका पेपर इससे पूर्व में हुआ था, उसमें केवल 57 पद थे। 2011 में इससे पहले हुआ था, यहाँ पे मुझे पदों की संख्या तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, ना ही मिल पाई है, बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च किया बट मिल नहीं पाई कि कितने पद थे। यदि किसी को हो तो कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा ताकि अन्य बच्चे भी जान पाए, मैं आपकी कमेंट पिन कर दूंगा। लेकिन इन सबसे लेकर तमाम जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट जो JCA का है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, 2011 से पहले ये जो पेपर होता था, पेपर क्या, ये 1994 से पद बनाया गया था और तब इसे जूनियर क्लर्क के नाम से जाना जाता था, उसके बाद से ये जूनियर कोर्ट असिस्टेंट बोला गया। और सबसे बड़ी बात है, इसमें सब कुछ जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ही पेपर कंडक्ट कराएगा, सुप्रीम कोर्ट ही इसका सब कुछ करता है और इसीलिए उसकी मनमानी होती है। और आपने एक खास चीज़ देखी होगी, ये मैं आपका पूरा सिलेबस लेके आया हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि सिलेबस इसका नहीं मिल रहा है आपको, ना ही नोटिफिकेशन में कहीं दिया गया है। पैटर्न तो दिया गया है, पैटर्न सभी लोग जान रहे हो, मैं आपको फिर से बता दूँ, 100 क्वेश्चन क्या होगा पार्ट वन में, पार्ट वन जो होगा 100 क्वेश्चन इसमें होगा और ये एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 1 मार्क्स ईच मैं लिख दे रहा हूं, और जो निगेटिव होगा ये 1/4 क्या होगा, निगेटिव होगा, इस बात को समझते हुए चलना। इसमें 3 पार्ट हैं, इसमें आपका 50 क्वेश्चन क्या है, 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के हैं और उसके बाद 25 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके मैथ्स के हैं, मैथ एप्टीट्यूड बोलो, मैथ्स रीजनिंग दोनों मिला के हैं, और जो 25 क्वेश्चन हैं वो आपके क्या हैं, GS के हैं। यहाँ पे एप्टीट्यूड में इसे बोल रहा हूँ और इसे क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, खास बात यह है कि इन तीनों के ही सेक्शनल कट ऑफ है, यह बात ना ही कहीं नोटिफिकेशन में है और ना ही है, लेकिन एक बात आप समझ लेना, मैं आगे चर्चा करूंगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, किस सेक्शन में आपको कितना समय देना है, टाइम टेबल इसका आपका क्या होना चाहिए, कौन सी किताबें होनी चाहिए, तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन जो मुख्य पॉइंट है, जो आपको कहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, वो मैं आपको देता चलूं कि अगर अंग्रेजी में 50 में से 25 नहीं कर पाए, अंग्रेजी के ये जो टोटल 100 क्वेश्चन है इसे मिला के, ये पार्ट वन बोला गया है, इसे समझिएगा, ये पार्ट वन बोला गया है, और पार्ट वन में 100 में से आउट ऑफ आपको 50 क्वेश्चन करना नेसेसरी है। अगर 50 क्वेश्चन आपके नहीं होते हैं तो आप क्या बोलोगे, डिस्क्वालीफाई बोले जाओगे। ऐसे ही नहीं, पार्ट टू में भी आपका सेक्शनल कट ऑफ है, और ये आपके इसमें जो पार्ट टू में है वो कंप्यूटर है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन में आपका 13 क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है, ये आपको करना ही करना है। जो पार्ट थ्री है आपका, पार्ट थ्री इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग आपका क्या होगा, 50 मार्क्स का होगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, टाइपिंग जो आपका होगा ये 50 मार्क्स का होगा, और 50 मार्क्स में इसमें आउट ऑफ 25 लाना, 25 लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप यहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। टाइपिंग के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, और डिस्क्रिप्टिव आपका 25 मार्क्स का होगा, और इस 25 मार्क्स में भी 13 नंबर लाना अनिवार्य है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद आता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू इस बार बोला गया है क्वालिफाइंग नेचर का है, हालांकि 2000 क्वालिफाइंग नेचर का है, और क्वालिफाइंग नेचर में बता दूं कि इसको 25 मार्क्स का इंटरव्यू बनाया गया है, और इसमें भी अगर 13 नंबर आप नहीं पाते हो इंटरव्यू में तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। 2011 में इसका पेपर हुआ था, सेम आपका पैटर्न था, सेम सब कुछ था, वहां पे केवल एक चीज नहीं था, डिस्क्रिप्टिव नहीं था, तो डिस्क्रिप्टिव वहां पे नहीं था, ये चीज 2011 में नहीं था, उसके वहां पे क्या कहते थे कि 25 नंबर जो यहां पे इंटरव्यू का था, इन सबको जोड़ के फाइनल मेरिट बनी थी, तो जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो 200 क्वेश्चन की बनेगी, ठीक है, 200 मार्क्स के होंगे, और इंडिविजुअल सेक्शन के कट ऑफ होंगे, मतलब पार्ट वन, पार्ट टू, टाइपिंग, और आपका यहां पे डिस्क्रिप्टिव का और सबका कट ऑफ है, लेकिन फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपकी इतने पार्ट से बनेगी, इससे नहीं बनेगी। इससे पूर्व में आपका इंटरव्यू भी जोड़ा जाता था क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं था, यानी कि 100 नंबर यहां पे हो गया, 25 नंबर यहां पे हो गया, 25 नंबर यहां पे होगा, 50 यहां पे होगा, 25 यहां पे होगा, तो 25 50 50 100 और 100 200 नंबर इस बार आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। ये मैं आपको रिट भी दिखाऊंगा, और आरटीआई भी डाली गई थी बच्चों द्वारा, तो उसका आरटीआई का जवाब भी आया था, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई भी इस सिलसिले में डाली गई थी कि एक बच्चा था जो इंटर बाकी समय अच्छा पाया था, इंटरव्यू में 7-8 नंबर पाया था, तो उसे क्वालिफाई नहीं किया था, और ऐसे एक दो नहीं 628 बच्चे उस वर्ष थे, तो उनके साथ में जो कहीं ना कहीं रिट डाली गई थी, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं ये था, कोर्ट का जो आदेश था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट होता है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी वैकेंसीज है, इवन क्लर्क से लेकर टॉप ऑफिशियल तक सब कुछ केवल और केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पे नियुक्त कर सकता है, वो भी राष्ट्रपति के उसमें आर्टिकल 146 आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, और उसके अंतर्गत ये सब कुछ कर सकते हैं, और डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं सारी चीजों को, बट ये आपको जानना बहुत अनिवार्य है, वरना आप पछताओगे। उस बच्चे का भी यही कहना था कि सर आप मुझे पहले बताए होते, नोटिफिकेशन में मेंशन किए होते कि कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, 25 नंबर का है, तो मैं कहीं से ट्रेनिंग ले लेता, कहीं से इंटरव्यू का कोचिंग ले लेता, ताकि मैं सेक्शन कट ऑफ तो क्लियर कर पाता, इंटरव्यू का क्वालिफाइंग तो मैं कर पाता। इस बार उन्होंने थोड़ा सा सुधार किया है कि साफ-साफ लिख दिया है कि इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे पूर्व के नोटिफिकेशन में यह भी नहीं लिखा जाता था। खैर, ये आपका पैटर्न रहा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आप गंभीरता समझ सकते हो कि जो जेसीए का पेपर है वो कितना ज्यादा, कितने स्टेजेस हैं, लेकिन स्टेजेस इतने हैं तो एक बात भी समझो भाई, ये 63,000 समथिंग करके आपके टोटल सैलरी पहले मंथ से बनने लगेगी, और 63,000 अगर आप देखोगे तो यूपीपीएससी वगैरह में ग्रुप बी के जो ऑफिसर होते हैं, है ना, आप समीक्षा अधिकारी और इनके जाओगे तो उनके भी कहीं ना कहीं इतनी सैलरी नहीं बनती है। 4200 ग्रेड पे का नौकरी है, तो ये समझ सकते हो कि भले ही ये क्लर्क लेवल की नौकरी है, लेकिन जो आपकी तनख्वाह है और जो आपकी कहीं ना कहीं जो बोलोगे कि भौकाल है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रुप बी ऑफिसर का हो जाएगा। तो इसे आप एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचो कि ये जूनियर असिस्टेंट है किसी तरह से, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है, आप ये समझो कि ये ग्रुप बी ऑफिसर है, क्योंकि तनख्वाह भी वही है, आपकी जॉब प्रोफाइल भी वही है, और आपका बेसिक पे भी वही है, सब कुछ वही है, तो ये आपके लिए ग्रुप बी है। 210 पद कम नहीं होते हैं, हालांकि अगर हम केंद्र लेवल पे देखें, पूरे भारतवर्ष में देखें तो पद कम है, लेकिन आप ऐसे समझो इससे पूर्व में केवल 57 पद थे, और लाखों बच्चों ने फॉर्म भरे थे, बहुत अच्छी तरीके से इसे दिया था उन्होंने।
आते हैं। खैर हम लोग पैटर्न पे सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो 2016 का जो पेपर आया था, 2016-17 में जो पेपर हुआ था, उस एग्जाम के बेसिस पे मैंने यहाँ पे आपको निकाला है कि किस पे कितना क्वेश्चन पूछा गया था, उसके आधार पे मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। पार्ट वन में अगर देखा जाए तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर मैथ्स के 25 क्वेश्चन थे, और फिर 25 क्वेश्चन आपके जीएस के थे। लेकिन कुछ आपको यहाँ पे राहत भरी सांस भी है। और उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, जो पेपर हुआ था वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में हुआ था। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे भी चूज लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज आता है, और वहां पे केवल एक ऑप्शन आएगा, इंग्लिश का, हिंदी का नहीं आएगा। तो इंग्लिश ही में पेपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के, हालांकि कहीं ना कहीं ये गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ इसमें करता है, और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी ही ज्यादा चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिक्कत है, बहुत आसान होता है और बहुत आराम से आप कर सकते हो। देखो इंग्लिश आपको चाहे जिस परीक्षा में बैठोगे, इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी, बाकी बचा क्या, बाकी बचा आपके 50 क्वेश्चन में जीएस लैंग्वेज डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना, उसमें लैंग्वेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपको जीएस आती है तो अंग्रेजी में भी पढ़ के आप कर ले जाओगे, और सिमिलरली मैथ और रीजनिंग होता है, मैथ और रीजनिंग तो आधी अंग्रेजी वैसे ही होती है, उसके जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो अंग्रेजी में ही होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और पेपर का लेवल भी आसान ही बनाया जाता है। इंग्लिश का पेपर का लेवल मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मॉडरेट रखा गया था, फिर से मॉडरेट आएगा। जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में दो सेक्शन है, इसमें एक आपका मैथ्स है जिसमें 13 क्वेश्चन पूछेगा मैथ्स का, 12 क्वेश्चन आपका रीजनिंग पूछेगा, और जो इसका लेवल होता है वो इजी लेवल का होता है, इतना मैं आपको बता दूं। तीसरा जो होता है वो जीएस होता है, इसमें भी 25 क्वेश्चन होगा, और ये भी इजी लेवल का पूछेगा। तो जो आपको लैंग्वेज में इशू आना है वो आपका आसान पूछता है, आप आराम से देख पाओगे, आराम से समझ पाओगे, और अंग्रेजी तो 50 का होगा ही। क्या पूछता है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में भैया दो पैसेज पूछेगा, 10 नंबर का केवल और केवल पैसेज पूछेगा, मतलब 10 क्वेश्चन केवल पैसेज से होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, 1-4 नेगेटिव है। ईडम और फ्रेजेस 5 का पूछा था, फिर से 5 का पूछेगा, इसमें वही एसएससी वाले ईडम फ्रेजेस है, एक दो ईडम फ्रेजेस आपको लो फ्रीक्वेंसी वाले मिल सकते हैं। अगर उसके बाद देखा जाए पीक्यूआरएस, यानी कि जो पैरा जम्बल्ड होते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, वो 5 क्वेश्चन पूछा था। फिलर अगर बात करो वो कैब, ये शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मुझे एक बार मुझे बता दिया जाए कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिलर जो है वो कितना है, 5 क्वेश्चन पूछा था, 5 नंबर का। सेंटेंस फ्रेमिंग ये थोड़ा यूनिक था, ये एसएससी टाइप में नहीं होता, ये अलग होता है। कुछ अगर आप देखोगे संस्थाओं के द्वारा, यूट्यूब चैनल्स के द्वारा बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा पेपर एसएससी टाइप का है, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा पेपर एसएससी टाइप का नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन अपनी यूनिक टाइप में बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर से बनेंगे। जैसे सेंटेंस फ्रेमिंग था, तो इसमें क्या था, एक अंग्रेजी में 3-4 सेंटेंस दिए हुए थे, और बोला था कि कौन सा सेंटेंस सबसे सुइटेबल आपको दिख रहा है, तो उसमें अल्टीमेटली वो थोड़ा ग्रामर का पोर्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होता है, वो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे, जो आपको हनीफ सर बहुत अच्छे से करवा देंगे। मैंने आपको बताया है कि कोर्स इसका चल रहा है 499 में, अभी ऑफर में मिल रहा है, और ये पूरी प्रिपरेशन इंग्लिश आपको हनीफ सर पढ़ाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। ऐसे ही एरर डिटेक्शन, इसमें भी कुछ ग्रामर बेस्ड था, कुछ वोकैब बेस्ड था, लेकिन ये भी 5 क्वेश्चन था। एंटोनिम्स 5 क्वेश्चन का था, सिनोनिम्स 5 क्वेश्चन का था, और 5 क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था, ये आप समझो। तो मैं आपको इसी पेज पे लिख दे रहा हूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ओडब्ल्यूएस से आप समझ जाना, ये भी कितना है, 5 क्वेश्चन का है। यानी अगर आप एक चीज इंग्लिश को यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफाई करो, तो इंग्लिश के दो पोर्शन बनते हैं, एक क्या बनता है, एक आपका वोकैब बनता है ना, शब्दावली वोकैबुलरी जिसे आप लोग बोलते हो, और एक आपका क्या बोलता है, इसे मैं इंग्लिश को डिवाइड कर रहा हूं, एक आपका क्या कह रहा है, ग्रामर बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका इस पेपर में अगर वोकैब्स मजबूत है तो अंग्रेजी आपके लिए बहुत इजी केक हो जाएगी। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको वोकैब्स स्ट्रांग कहां से करना है। आप देखो पैसेज में भी जो क्वेश्चन था, पैसेज तो सीधा रीडिंग कॉम्प्रेंशन होता है, लेकिन इस पैसेज में कॉम्प्रेंशन आपका उतना ही अच्छा होगा जितना वोकैब होगा। इसमें जो दोनों पैसेज पूछे थे, बहुत जबरदस्त पैसेज भी पूछे थे 2016 वाले में। एक तो ये पूछा था कि जैसे ऋषिकेश वगैरह में जो पैराग्लाइडिंग करते हैं, वहां से जंप करते हैं, उस पर वो था, और दूसरा एक था वो कहीं ना कहीं जो इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से संबंधित था, जो साउंड पोल्यूशन से रिलेटेड तो था। तो दोनों पैसेज बहुत अच्छे थे, और दोनों ही, और पैसेज जो होगा वो आपके सोशल इससे ही आएगा, ये मैं आपको बता दूंगा, है ना, सानी सर बता देंगे किससे किससे पैसेज बन सकता है, बहुत सारे इसके प्रैक्टिस भी करवा देंगे। लेकिन पैसेज आप उतना ही अच्छा कर पाओगे जितना अच्छा कंप्रेंशन होगा, कंप्रेंशन उतना ही अच्छा होता है जितनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। वोकैबुलरी कहां से स्ट्रांग करनी है, तो बहुत सारी किताबें आती हैं, लोग बोलते हैं वर्ड पावर मेडिजी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मैं एकदम उसके लिए आपको सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको करना है, लेकिन पहले देख लो। तो वो कैप्स अगर आपका तैयार रहेगा तो 10 क्वेश्चन आपके ये वाले तैयार हो जाएंगे, पैसेज वाले अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद आप देखो कहीं कहना कहीं वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो पीक्यूआरएस भी मदद मिलेगा, लेकिन अभी मैं इसे नहीं लिख रहा हूं।
फिलर आपका जो था पूरा वोकैब बेस्ड था, तो 5 क्वेश्चन वोकैब बेस्ड हो गया। उसके बाद जो आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी वोकैब बेस्ड है, तो 5, 5, 10 और 5, 15 इसे मैं ले लूं, तो 20, 10, 30 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली वोकैबुलरी बेस्ड है। उसके बाद आपको देखा जाए तो पीक्यूआरएस हो गया, और भी कुछ पार्ट हुए तो वो भी आपको वोकैबुलरी बेस्ड ही मदद करते हैं। मतलब आपको 50 में करीबन 34-35 क्वेश्चन आपको केवल वोकैब बेस्ड मिलेंगे, और करीबन आपको 15 क्वेश्चन जो होगा वो ग्रामर बेस्ड मिलेगा। तो ग्रामर का रोल कम है, वोकैब का रोल ज्यादा है। और वोकैब आपको पढ़ना कहां से, साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं। अभी देखो, अगर ग्रामर होता तो मैं आपको ये जरूर सलाह देता कि हाँ, ग्रामर की कुछ अच्छी किताबें हैं मार्केट में, जैसे एसपी बख्शी वगैरह हो गया, इन सब किताबों को आप ले सकते हो। लेकिन अभी अगर आप वोकैबुलरी बेस्ड कोई किताब ढूंढने जाओ तो वर्ड पावर मेड इजी आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं एक आपको बहुत अच्छी सलाह देता हूं कि देखो, अगर आपका जो पेपर है, ये पेपर आपका करीबन नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में जाएगा, आपके पास 3 महीने मिनिमम है, और आप क्या करो कि डिक्शनरी आती है, डिक्शनरी जो छोटी वाली आती है ऑक्सफोर्ड की, वो 830 पेज की लगभग डिक्शनरी है, है ना, इतनी पेज की, इतनी पतली वाली से जो आती है, इतनी मोटी सी होती है, वो डिक्शनरी आप लो और उस डिक्शनरी को ओवर थोड़ी रीड करते जाओ। एक हैबिट बनाओ कि अगर आपके पास 90 दिन है और अगर 830 पेजेज है, मैं मोटा मोटा इसे 900 पेज मान लूं, तो अगर 90 से डिवाइड करोगे तो एक दिन में 10 पेज आएगा, मतलब कम से कम 7-8 पेज, 8 से 9 पेज आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। और अगर ये पढ़ोगे, ये केवल इस परीक्षा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनकी भी अंग्रेजी कमजोर है, अगर आप ये हैबिट डालते हो, इवन जब मैं अपनी अंग्रेजी तैयार करता था, जब मैं एसएससी का एग्जाम दिया, बैंक एग्जाम दिया, मैं दोनों निकाला, और जब दोनों ही मैं दोनों में ये मेरा जो सबसे अच्छी आदत थी वो थी डिक्शनरी पढ़ना। मैं अपने पिल्लों के नीचे हमेशा डिक्शनरी रखता था, सुबह उठ के पहला काम मेरा ये होता था, सुबह उठ के आप लोग क्या उठते हो, फोन चलाते हो, किसका मैसेज आया किसका आया। बट अगर ये हैबिट डाल लिया कि पिल्लों के नीचे उस डिक्शनरी को रखो, सुबह उठते सोने से पहले और उठने के बाद अगर ये हैबिट डाल ले, 5 पन्ना शाम को पढ़ लो, 5 पन्ना सुबह पढ़ लो, तो ये आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग करता जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, ये ग्रामर भी स्ट्रांग करेगा, क्योंकि जब उसमें आप पढ़ोगे इज एम आर, तो वो पूरा प्रयोग दिया है, एक एक वर्ड का प्रयोग दिया हुआ है, कहां पे कैसे प्रयोग होता है। तो अन्यथा कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, और एक बार इसे पढ़ते चलो। साथ में ही मैं पूरे कोर्स में ही आपको एक वोकैब बुक दे दूंगा, जो मेन वोकैबुलरी है, जहां से प्रश्न डायरेक्ट बन सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो मैं आपको वोकैब बुक आपको दे दिया हूं, आप देखोगे परीक्षा प्लस ऐप पे जाके, और इसके कोर्स में जेसी के कोर्स में जाके देखोगे तो ये किताब लग गई है, आप उसे डाउनलोड कर लो और पढ़ना शुरू कर दो। बाकी ग्रामर है, ग्रामर के लिए आपको हनीम सर बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। आप पढ़ना चाहते हो, बाहर से कोई किताब लेना चाहते हो, तो एसपी बख्शी एक अच्छी किताब है, आप उसे ले सकते हो, या बहुत ज्यादा आप इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इसका भी नोट्स आपको कोर्स में दिया जा रहा है। जो दूसरा पोर्शन है, इसी में से 25 क्वेश्चन जो है वो जीएस का है, और इस 25 क्वेश्चन में जीएस की अगर हम बात करें तो पॉलिटी सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, पॉलिटी सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। वैसे भी अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट का पेपर है, जब कोर्ट से संबंधित है तो पॉलिटी सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, और 5 क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। और पॉलिटी में भी आपको पढ़ना क्या है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी आर्टिकल हैं, और ऐसे आर्टिकल जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना, इनसे संबंधित है, संसद से संबंधित है, वो सारे के सारे आपको एकदम रटे होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये तो आपको रटे होने चाहिए। आप ऐसे समझो कि 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल अगर आपको ये रटे हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या है, तो आपके पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और उसके बाद रमन सर तो आपको क्लास में बहुत अच्छे से इसे बताएंगे, बहुत जबरदस्त आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं, यहाँ पे पूरी मदद मिलेगी। ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन पूछा था, और मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा पूछेगा, क्योंकि ये पूरा पेपर जीएस में 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन में अगर आप करंट देखोगे तो करंट का पोर्शन सबसे ज्यादा है, 7 क्वेश्चन है। मतलब 25 में अगर 7 क्वेश्चन आप निकाल देते हो तो 18-17 क्वेश्चन जो होते हैं वही आपके बसते हैं, 17-18 में कई सारे पार्ट है जिसमें आपका पॉलिटी अच्छा खासा कवर करता है। तो केवल पॉलिटी और ये कवर कर लोगे तो लगभग 50% जो पेपर है, मतलब जीएस का 50% है, 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपके केवल 2 पोर्शन पढ़ने से हो जाएंगे, एक करंट से और एक आपके पॉलिटी से। ये आपकी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए जब आप तैयारी करो, तो इन 2 पोर्शन को पहले स्ट्रांग करते चलो, उसके बाद आप बाकी पोर्शन देखो। और जो ये भी 12-13 बाकी जो बच रहे हैं उसमें भी 4-5 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस यानी स्टैटिक जीके के पूछेंगे, मतलब जो पारंपरिक वाले, उसमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएस बहुत वैस्ट है। अब एक बच्चा होता है कि जीएस को ज्यादा पढ़ता है, अब पढ़ता रहता है अब भाई उसमें पूरा इतिहास के भी 3 पार्ट है, अब समझदार पर्याप्त, ऐसा नहीं है। इसकी जो एज एलिजिबिलिटी है वो 18 से 30 वर्ष है, और मुझे नहीं लगता कि इस उम्र का कोई भी बच्चा आज के जमाने में बेवकूफ है। चलो 18-19-20 वाले को समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा बच्चा है, लेकिन जो 20-22 साल का है ना, वो दलदल के ठोकरे खाया हुआ है और घाट घाट का पानी पिया हुआ है, उसे समझ में आता है क्या उसके लिए जरूरी है, क्या उसके लिए जरूरी नहीं है, क्या उसके लिए सही है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये बात आप अच्छे से समझते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इतने बेसिकली समझदार हो गए, तो कन्वेंशनली पढ़ने का जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में पढ़ोगे 3 पार्ट है आपका, मेडिवल है आपका, एंशियंट है आपका, मॉडर्न है, और तीनों
और पता लगे कि आपको जीएस पढ़ना है और किसके लिए पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट जेसी के लिए पढ़ना है, और आप जाके खरीद लाए मॉडर्न के लिए कोई मोटी सी किताब लेके चले आए, पता लगा पॉलिटी पढ़ना है तो लक्ष्मी गांधी उठा लेके चले आए, तो ऐसे नहीं होगा। फिर आप पढ़ते रह जाओगे, तीन महीने में आप क्रैक नहीं कर पाओगे एग्जाम को। आज के जमाने में नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन नॉलेज से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपको वो पता होना चाहिए जिससे एग्जाम क्रैक कर पाओ। और जो जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं ना, आप उन्हें देखोगे वो जैक ऑफ ऑल होते हैं और किंग ऑफ नन होते हैं। मतलब अगर उन्हें ये पूछो कि कोई सब्जेक्ट बहुत परफेक्ट उन्हें आता नहीं आएगा, लेकिन उनका हर सब्जेक्ट में वो पोर्शन बहुत स्ट्रांग होगा जहां से उन्हें सिलेक्शन लेना है। तो वो क्या होता है वही मैं बता रहा हूं कि पॉलिटी है तो पॉलिटी में 100 आर्टिकल तक आप पढ़ लो, ज्योग्राफी है तो आप पैटर्न को देखोगे तो इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको अगर कोई और पेपर होता तो मैं जरूर बोलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जेसीए के लिए इंडियन ज्योग्राफी में केवल आपको क्या पढ़ना है, इंडिया की बाउंड्री पढ़ना है, उसके इर्द गिर्द जो नेबर कंट्रीज है उन्हें पढ़ना है, इंडिया की स्टेट बाउंड्री पढ़ना है, कर्क रेखा जो आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर होती है कितने राज्य से गुजरती है, जो आपकी डेट टाइम है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इन सब चीजों को जानकारी करना है। उसके बाद आपके हैं थोड़ा सा फिजियोग्राफी, और उस फिजियोग्राफी में क्या आता है कि आपका पर्वत कहां पे है, कौन सी हाईएस्ट पीक है, दर्रे कौन से हैं, नदियां कौन सी हैं, बस डैम कौन से, इससे ज्यादा ज्योग्राफी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मिनरल्स नहीं पढ़ना है, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के जो अन्य पार्ट होते हैं ठीक है ना, आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको पॉपुलेशन नहीं पढ़ना है, इन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा है और ना ही पूछेगा। तो ज्योग्राफी भी बहुत सीमित है, मतलब आप केवल इंडिया का पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ लोगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब मैप की बात कर रहा हूं, उसकी बाउंड्रीज की बात कर रहा हूं, नेबर और स्टेट और इनकी बात कर रहा हूं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा फिजियोग्राफी में माउंटेन्स, रिवर्स, हिल्स और जो पासेस है, दर्रे हैं, इनको केवल पढ़ लोगे, डैम्स इनको पढ़ लोगे, तो केवल 4-5 टॉपिक से आपके 4 के 4 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ये आप तो समझते हुए चलना है। हिस्ट्री में बात करो तो हिस्ट्री में आपको देखा जाए तो मेडिवल के 2 क्वेश्चन थे और मॉडर्न का 1 क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, तो एक बात समझना आपको हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। जब आप एंशियंट तो एकदम मत पढ़ो, एंशियंट में अगर केवल पढ़ना है तो आप केवल बुद्ध को पढ़ लो, है ना, बुद्धिज्म को अच्छे से पढ़ लो, ये वहीं से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर जो और भी वैदिक हैं उनमें से एक तो बुद्ध और जैन को आप कंपलसरी पढ़ते हुए चलो, बाकी जो हैं जैसे गुप्त हो गए, मौर्य हो गए, तो उनके प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, बस, और किसी के लिए बहुत ज्यादा जो फेमस नाम है वो आप पढ़ लो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कोई सिक्के उक्के कौन चल पाए, ये सब आपको किसी भी किताब में, इवन लूसेंट में पढ़ोगे तो टेबल में दिया होता है, वहां से आप पढ़ सकते हो। बाकी मिडिवल में केवल आपको पढ़ना है कि कौन सी डायनेस्टी, जैसे दिल्ली सल्तनत आए है ना, मुगल आए, तो किसमें किस डायनेस्टी के जो थे वो फाउंडर कौन थे, ये आपको पढ़ लेना है, जो लास्ट रूलर थे वो कौन है ये पढ़ लेना है, और उन्होंने प्रमुख जो लड़ाइयां लड़ी हैं, जैसे आपका तराइन का युद्ध हो गया, जैसे आपका अगर देखा जाए तो अकबर के द्वारा जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, ये सब आपकी मेन जो लड़ाइयां हैं वो आप पढ़ते चलो, खांडवा का युद्ध ये सब हो गया, तो उसकी डेट केवल पूछता है ठीक है। उसके बाद मॉडर्न में आओ तो मॉडर्न में भी आप 1600 के आसपास जब आओ तो केवल लड़ाइयां पढ़ो, अंग्रेजों में ये पढ़ लो कि अंग्रेजों जो फॉरेन कंपनियां आई, अंग्रेज आए, डच आए, ये सब है, तो उनके आने का क्रम क्या है वो आप अच्छे से पढ़ लो हिस्ट्री में, और उसके बाद फिर आप ये देख लो सीधा आ जाओ 1915 के बाद, एक 1857 क्रांति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, मेन एकदम जो मेन में मिल जाएगी, कहां से कौन कौन लोग रूल किए है ना, कौन कौन आगे आए यहां पे, जो रिवोल्यूशन हुआ 1857 की जो क्रांति हुई, तो मेन क्रांतिकर्ता कौन थे, अवध क्षेत्र से कौन था, और इस क्षेत्र से कौन था, कानपुर क्षेत्र से कौन था, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है केवल 1857 क्रांति में, और कौन सप्रेस किया ये पढ़ना है, कौन वायसराय थे उस समय, बाकी आप 1915 गांधी एरा में आ जाओ और वहीं से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, और मेन ही क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, और ये सारी चीजें जो मेन है वो आपको नोट्स में दे दिया जाएगा। तो 3 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक जगह से पढ़ो वहां से हो जाएगा। साइंस की बात किया जाए तो बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स होता है, बायो के 2 क्वेश्चन थे, फिजिक्स के क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री का कोई नहीं था। बायो में भी आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन हो गया, डिजीज हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, 3 पार्ट के वाला बायो में पढ़ो, कोई भी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, ये कॉर्डेटा है, ये आपका इंसेक्ट है, ये पैरासाइट है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप ह्यूमन डिजीज पढ़ो, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो, और उसके बाद आप क्या पढ़ो, न्यूट्रिशन पढ़ो, और थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी की, ये क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस है, इतनी सारी पार्ट पढ़ लोगे बायोलॉजी में तो आपका 2 क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएगा। फिजिक्स में बेसिक जो आपका है न्यूटन मैकेनिक्स और इतना पढ़ लो, बाकी आपको इलेक्ट्रिसिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको रे ऑप्टिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको थर्मोडायनेमिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, केवल बेसिक जो होता है बेसिक, और इस बेसिक में सबसे ज्यादा जो बनेगा वो यूनिट और
डायमेंशन, अगर ये दो चैप्टर तो जरूर पढ़ लो यूनिट ऑफ डायमेंशन, और उसके बाद क्या पढ़ लो जी लॉज ऑफ मोशन। अगर केवल आप इतना पढ़ ले रहे हो, ये दो चीज पढ़ ले रहे हो, वर्क पावर एनर्जी इतना पढ़ ले रहे हो फिजिक्स में, तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपका स्टैटिक जीके यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैटिक जीके में आपको बता दूं, फेमस बुक हो गया, फेमस पर्सनालिटी हो गया, फेमस लोकेशंस हो गए, है ना, कि ये कहां पे स्थित है, इतने की इर्द गिर्द ही पूछता है, बाकी स्टैटिक में कुछ पूछने नहीं जाएगा। अगर आप स्टैटिक का स्कोप बढ़ाते हो तो वो कोर स्टैटिक नहीं रह जाता, फिर आप स्टैटिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में चले जाओगे, फिर आप स्टैटिक हिस्ट्री में चले जाओगे, फिर आप हिस्ट्री स्टैटिक पॉलिटी में चले जाओगे। लेकिन जो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, वहां पे आपको क्या पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर्स आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद कर लो फेमस प्लेसेस, है ना, ये पढ़ लो, और फेमस पर्सनालिटीज, ये अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो इतने में ही आपका जनरल अवेयरनेस अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी करंट आपको पढ़ना है, करंट बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कब से कब तक होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सपोज करो कि 15 अक्टूबर को अगर आपका पेपर पड़ता है तो 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 अक्टूबर से पूर्व के 5 महीने, जैसे अभी नोटिफिकेशन आया तो अभी पेपर नहीं बना होगा, अब पेपर बनने की प्रक्रिया होगी, लेकिन ये 1 अक्टूबर के बाद की कोई खबर नहीं डालेगा, क्योंकि हर हालत में 15 दिन पहले पेपर बन जाएगा और पेपर छप जाएगा। अगर ऑनलाइन होना होगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो आपको अक्टूबर का पढ़ना है ना, सितंबर का पढ़ना है, अगस्त का पढ़ना है, जुलाई का पढ़ना है, जून का पढ़ना है, मतलब 1 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक अगर आप पढ़ लोगे तो वो आपका मोर देन सफिशिएंट रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि करंट आपको कहां पढ़ना है, एग्जाम की डेट का 15 दिन छोड़ दो, उसके बाद 5 महीने अच्छे से कवर कर लोगे तो इसमें आप मैक्सिमम नंबर गेन कर लोगे। बाकी हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट में, इसी के जो पार्ट वन है इसी के दूसरे उसमें आते हैं। तो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में मैथ्स और रीजनिंग है, 13 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 12 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। मैथ्स केवल और केवल एरिथमेटिक है, केवल और केवल एरिथमेटिक पूछेगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेंसुरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, ना ही आपको अलजेब्रा पढ़ना है। पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ लो, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो, परसेंटेज पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, CISI पढ़ लो, अगर टाइम एंड वर्क पढ़ लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लो, बस हो सकता है तो एवरेज पढ़ लो, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। और मैथ्स की क्लास आपकी स्टार्ट भी कर दी जाएगी, एवरेज की क्लास आज से ही आपकी चल जाएगी, ये बात समझिएगा, वो आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, और बाकी के भी अरिथमेटिक मैं आपको कवर करवा दूंगा, मैं मैथ्स खुद पढ़ाऊंगा पूरे कोर्स में बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं और आशीष सर मिलके यहाँ पे जो रीजनिंग है, रीजनिंग में अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे, तो आप रीजनिंग देख लो, और रीजनिंग में भी बहुत बेसिक रीजनिंग पूछता है, 3 ही 4 टॉपिक से ज्यादा पूछेगा, ये बात फिर से तय है। तो मैं और आशीष सर मिलकर आपको एप्टीट्यूड वाला सेक्शन 25 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, और इस बात की भी गारंटी लेता हूँ, 1 क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, 25 में 25 आपको दिलाऊंगा अगर आप मेरे हिसाब से चलिए, तो दिए गए सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगा लिए तो। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहां से आपका रीजनिंग चालू होता है, 1 क्वेश्चन कैलेंडर का था, 1 क्वेश्चन कोडिंग का था, अरेंजमेंट ऑफ लेटर से 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 2 यहां पे थे, और दो यहां पे थे ब्लड रिलेशन से, और 3 जो क्वेश्चन था वो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन से था, ठीक है ना, जो आपके आते हैं कोडेड वाले, तो टोटल ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चन थे, ये आप समझते हुए चलना। सीरीज का 1 क्वेश्चन था, डायरेक्शन सेंस का 1 क्वेश्चन था, और पैसेज, ये लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड एक पैसेज था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, जैसे आपके सेटिंग अरेंजमेंट टाइप में होते हैं या अरेंजमेंट टाइप में क्वेश्चन होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट जो होते हैं, तो इन्हें आप लीनियर अरेंजमेंट बोल सकते हो, लेकिन वो लीनियर अरेंजमेंट भी नहीं था, और ऐसे लॉजिकल रीजनिंग में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन से पूछता और फिर इसके बनने की संभावना है, बट इसे आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, बाकी पोर्शन रीजनिंग में काम कर रहा है, तो आप ये भी कर ले जाओगे, मतलब ये आपकी केवल बेसिक समझ चाहता है कि आपका समझ कितना है, वो आपका पूछना चाहता है, ये 3 क्वेश्चन केवल पूछता है। तो रीजनिंग अगर देखा जाए तो 3 और 5 3 8 8 2 10 3 13 ऐसे 12-13 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, और अगर मैथ्स के देखो तो 13 क्वेश्चन आपको मैथ्स के भी मिल जाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे, रेशियो का 1 था, टाइम एंड वर्क का 1 था, प्रॉफिट लॉस का 1 था, परसेंटेज का 1 था, इंटरेस्ट का 2 था, रेशियो ये दोनों एक जगह लिख गया है, तो रेशियो के 2 क्वेश्चन थे, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन था, और पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन था, यानी आप मोटा मोटा देख सकते हो। तो जो मेन चैप्टर है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज होगा, इंटरेस्ट हो गया, तो जो बड़े चैप्टर उनसे 2-2 क्वेश्चन पूछा, जो छोटे चैप्टर उनसे 1-1 क्वेश्चन हो गया, जैसे पार्टनरशिप हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, इससे 1-1 क्वेश्चन पूछा है, मतलब पेपर बैलेंस पूछेगा, और यही आपका सिलेबस भी होगा। तो बेसिकली अरिथमेटिक आपको पढ़ना है, अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम इतना पढ़ना है आपको, एडवांस में 1 भी चैप्टर छूने की जरूरत नहीं है, और इतना अगर आप कर लोगे तो आपके 12-13 क्वेश्चन आपके सॉलिड हो जाएंगे। आते हम लोग पार्ट बी में, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा परेशान यहां पे हो, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है
कि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है इसमें 18 क्वेश्चन केवल और केवल एमएस ऑफिस से पूछा गया था। इसके लिए आपको आशीष सर ने एक कंप्यूटर की वीडियो भी अलग से दे दी है, क्या कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, इसकी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप कंप्यूटर का डिटेल देख सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आपको एमएस ऑफिस सबसे ज्यादा पढ़ना है। एमएस ऑफिस टॉपिक तो एक ही था, अब एमएस ऑफिस में भी 4-5 पार्ट होते हैं, पावर पॉइंट होता है, पेंट होता है, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, एक्सेस होता है, ये 5 पॉइंट मिलकर एमएस ऑफिस बनते हैं। तो आपको शॉर्टकट की जो टूल बार मीनू बार सब कुछ है सब कुछ तैयार करते हुए चलना है, और आशीष सर को डेडिकेटेडली उनको पूरा अपना समय दे दो, वो एक एक चीज आपको बहुत अच्छा एकदम इमेज ग्राफिक्स के साथ इतना जबरदस्त कंप्यूटर पढ़ाते हैं कि आपको एक एक चीज रट जाएगी, आपको दोबारा से कभी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आप अपनी आंखों से इमेज के माध्यम से पढ़ते हुए चले जाओगे, ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़ते हुए चले जाओगे। बाकी मेमोरी इंटरनेट के 4 क्वेश्चन थे, डीएनएस और सिक्योरिटी से भी ये दोनों मिला लीजिए तो 2 क्वेश्चन आपके इधर से थे। तो इंटरनेट और एमएस ऑफिस आप पढ़ ले रहे हो तो 25 में से करीबन 22 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अब आती है बात, तो ये तो आपका सिलेबस है, एक यहां पे क्वेश्चन कॉमन सा बनता है कि क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हां, लेकिन उतना ही बाहर जाएगा जो उसके स्कोप में है। ऐसा अनर्गल चीजें नहीं पूछ लेगा कि भैया सिलेबस में नहीं दिया, वो आप इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें पूछ रहा है, वो रीजनिंग में आपसे पूरा स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछ रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो आपसे अंग्रेजी में फिर नरेशन पूछ रहा है, अंग्रेजी में कुछ और भी पूछ ले रहा है जो बहुत हाई टफ अंग्रेजी आ रही, वो नहीं करेगा, वो कॉमन सी चीजें पूछेगा। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है फिर वो आपसे प्रोग्रामिंग पूछ ले, किसी C++ पूछ ले, जावा पूछ ले, नेट पूछ ले, PHP पूछ ले, ऐसा नहीं है, पूछेगा तो इसी के इर्द गिर्द रहेगा, ये आप समझते हुए चलना, वो सारी चीज आपको कोर्स में कवर करा दी जाएगी, आपको अलग से उसके लिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कट ऑफ का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स होते हैं और जो फाइनल मेरिट होगी वो आपके इन चारों यहां तक जो है ना, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये पुराना 2016 का था, मैं डिस्क्रिप्टिव लिख दे रहा हूं, जिसमें आपका क्या होगा कंप्रेहेंशन, एस्से राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग, ये इसमें अंग्रेजी का पूछा जाएगा। तो 50 क्वेश्चन इसमें आपको करना अनिवार्य है, 50 नंबर लाना अनिवार्य है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो पार्ट 2 है, मतलब जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, ये कंप्यूटर वाला पार्ट है, इसमें भी आपको 25 में से 13 नंबर लाना अनिवार्य है। जो टाइपिंग है 50 का होगा, इस पिछली बार क्या था 2% एरर केवल अलाउड थे, इस बार 3% एरर अलाउड कर दिए हैं, थोड़ी सी यहां पे आपके लिए सहजता दिए हैं, लेकिन 3% भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, ये बात आप समझते हुए चलना। तो प्रैक्टिस आप अच्छे से टाइपिंग का करते रहो, जिनकी टाइपिंग पहले से तैयार है उनके लिए बूस्ट है, टाइपिंग केवल अंग्रेजी में आएगा, 400 से 500 वर्ड देगा और आपका 50 मार्क्स का होगा, लेकिन टाइपिंग में 25 मार्क्स आपको लाना है। अब आप बोलोगे सर 25 मार्क्स कैसे, क्या इसमें भी कुछ इसके नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपका जितना वर्ड होता है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितना पैराग्राफ कितने टाइम में पूरा किया है, उस हिसाब से मार्क्स देते हैं जो आपको कहीं पे दिया नहीं हुआ है। और इससे बेहतर समझने के लिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर दिए हैं वो समझ जाएंगे कि टाइपिंग के मार्क्स कैसे वैल्यूएट होते हैं, या इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, लगभग दोनों चीजें सेम है। इंटरव्यू अभी तो डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्रिप्टिव का भी 25 नंबर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है 25 नंबर है और 25 में से आपको 13 लाना अनिवार्य है। डिस्क्रिप्टिव में कंप्रेहेंशन पूछेगा, ठीक है ना, और आपका प्रिसाइज राइटिंग पूछेगा, एस्से राइटिंग पूछेगा, एस्से की टॉपिक और इसकी प्रैक्टिस आपको टीम द्वारा ही प्रैक्टिस करा दी जाएगी, लेकिन तब कराई जाएगी जब ऑब्जेक्टिव का पेपर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा, फिर आप क्वालिफाई करते हो, तब आपको इसका जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वहां पे उनको डिस्क्रिप्टिव का करवा दिया जाएगा और निःशुल्क करवाया जाएगा आपको, ये बात मैं आज ही आपसे प्रॉमिस करता हूं, उसके लिए आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एस्से राइटिंग का और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कुछ स्पेशल सेशन दे दिया जाएगा। इवन जो बच्चे यहां पे क्लियर होते हो इंटरव्यू के लिए भी आपको निशुल्क में स्पेशल सेशन दिया जाएगा, क्योंकि बहुत समझना कि वो क्वालिफाइंग नेचर लिखा है, उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, 25 नंबर का आएगा, 13 नंबर उसमें आपका क्या होगा क्वालिफाइंग होगा। तो इंटरव्यू में भी आपको ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मतलब हर चरण में आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हो, ये बच्चों के पास जानकारी नहीं होती है। ये है वो RTI का रिप्लाई जो 2013 में आया था, है ना, जो केस दायर किया गया था, और उसमें उस बच्चे की भी यही पूछा गया था कि सर जब इसमें कुछ भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो आप यहां सोचो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, भाई क्या क्या नहीं दिया है, क्या आपको कैटेगरी दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी से कितना वैकेंसी है, नहीं दिया हुआ है,
क्या आपको ये दिया हुआ है कि टोटल मार्क्स कितने आएंगे, दिया हुआ है नहीं आएगा। क्या ये आपको दिया हुआ है कि मेरिट किस आधार पे बनेगी, नहीं दिया हुआ है। क्या ये आपको सेक्शनल कट ऑफ के बारे में दिया गया है, नहीं दिया गया। क्या डिटेल सिलेबस दिया गया है, नहीं दिया गया है। ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेशन वो नोटिफिकेशन में देना अनिवार्य नहीं समझा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा वो चलता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो फाइनल डिसीजन होता है वही डिसीजन, वो चाहे तो बिना पेपर करवाए जिसे चाहे उसे नियुक्ति दे सकता है, और केवल उसे केवल राष्ट्रपति का वो लेना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का पेपर है, अगर आपका ये हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आप भाग्यवान अपने आप को समझो और अच्छे से इस चीज को करते हुए चलो। रिटन टेस्ट में देखा जाए तो ड्यूरेशन भी उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको RTI के माध्यम से जो RTI का रिप्लाई आया है वहां से बता दूं कि 1.5 घंटे का ड्यूरेशन होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 का होगा, जो 100 क्वेश्चन का है। 50 आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आप देख सकते हो RTI का रिप्लाई है, 50 होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या होगा, जो 100 क्वेश्चन है उसमें इन्होंने बोला है कंसिस्टिंग 50 जनरल इंग्लिश, ये तो आपका बाद में ही बता दिया है, कंप्रेंशन इंक्लूडेड होगा, 25 जनरल एप्टीट्यूड होगा और 25 GS का होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, कंप्यूटर का 25 अलग होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट, ये 2% बताया ना, 2% पुराना वाला दिया है, अभी ये 3% अलाउ कर दिया है। और उसके बाद नॉलेज टेस्ट मतलब कि कंप्यूटर का होगा, ये आप समझते हुए चलना। उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इतने चरणों से करना है। वैसे अगर देखा जाए तो राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ने बोल दिया है कि किसी भी ग्रुप सी ग्रुप डी वैकेंसी में इंटरव्यू नहीं होगा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। इसका मतलब ये, वो भले ही नाम दे रहा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, लेकिन भैया आप जूनियर कोर्ट असिस्टेंट नहीं बनने जा रहे हो, आप अधिकारी बनने जा रहे हो, आप ग्रुप बी के अधिकारी बनने जा रहे हो। 63,000 रुपये आपके जेब में आएगा, जेब गर्म रहेगी जिंदगी भर और बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद यही नहीं, आपका जो भौकाल रहेगा वो भी ग्रुप बी ऑफिसर की तरह टाइट रहेगा, आराम से घूमोगे, बहुत जबरदस्त नौकरी है, इसलिए मेहनत कर लो। शायद ही कभी आता है, 4-5 साल में आता है, 210 पद कम नहीं होते हैं। थोड़ी सी अगर रणनीति अच्छे से खेल गए, जितना मैं बता दे रहा हूं, अगर कोर्स के हिसाब से जो फैकल्टीज आपको मार्गदर्शन दे दी उसके हिसाब से चल रही है, तो यकीनन आपका सिलेक्शन करवा देंगे। इस बात की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, जहां बोलेंगे वहां खड़ा रहना पड़ेगा, जितना बोलेंगे उतना पढ़ना पड़ेगा, इतना नहीं करोगे तो भैया कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी पहले क्षमा मांग लूंगा, फिर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो बच्चे कोर्स से जुड़ना चाहें वो परीक्षा प्लस ऐप से जाके जुड़ सकते हैं। अगर आप देखोगे तो परीक्षा प्लस का लोगो आपको दिखेगा, ऐसे लिखा आपको ऐसे दिखेगा, ये आपके स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, बहुत जबरदस्त है, सारे फीचर इसमें दिए गए हुए हैं। मैं यहाँ पे ऐप का फीचर आपको बताने नहीं आया हूँ, इतना मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ की जब बात मैं कर रहा हूं तो कितना आपको लाना है। तो आप एक बात समझना कि जो आपका पार्ट वन है, पार्ट वन में अगर 100 है तो इसमें आज से ही आप 80 से 85 लाने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि इससे कम में होने वाला नहीं है। और 80 से 85 आसान भी है लाना, इतना टफ भी नहीं है, बच्चे ही लाएंगे, आप में से लाएंगे, जब आएगा फाइनल रिजल्ट तो मैं दिखाऊंगा, है ना। नहीं मार्क्स वो 100 तो नहीं करते, लेकिन मैं RTI डायर करूंगा और आपको मार्क्स वो करूंगा कि जो सिलेक्शन वाले बच्चे उनके 80-85 नंबर के ऊपर ही है, ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला है। उसके बाद जो 50-25 क्वेश्चन कंप्यूटर वाला है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर वाला जो है इसमें भी आपको कम से कम 22 प्लस स्कोर करना है, नहीं 22 तो 20 प्लस आपको स्कोर ही करना है। बाकी टाइपिंग वगैरह में सबके नंबर अच्छे उठते हैं, टाइपिंग आपका सबसे अच्छी बात है 50 नंबर का है, इसमें आपको 47-48 लेके आओ अगर आपकी अच्छी है। 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में कोई ज्यादा स्पीड नहीं होती है, जनरल स्पीड होती है, सभी लोग कर लोगे। टाइपिंग सीखे हो चाहे नहीं सीखे हो, 3 महीने में केवल वैसे अभ्यास करोगे तो आपकी 30-35 की स्पीड गल जाएगी, एक्यूरेसी मेंटेन रखोगे तो आपके 47-48 नंबर आउट ऑफ 50 में आ जाएंगे टाइपिंग में। प्रिसाइज राइटिंग के लिए परेशान नहीं होना है, वहां पे जहां पे दिक्कत है उसके मार्क्स भी कम है ना। जो आपके डिस्क्रिप्टिव है उसका केवल 25 नंबर का है, और आप जनरल फॉर्मेट पे लिख के चले जाओगे। प्रिसाइज राइटिंग का भी फॉर्मेट होता है, एसे का भी फॉर्मेट होता है, कंप्रेंसर का भी फॉर्मेट होता है, उसे आप कर लोगे तो 20 प्लस आप इसमें स्कोर कर लोगे बहुत आराम से। और इंटरव्यू में भी इतना परेशान नहीं होना, मैं आज ही बता दूं, हालांकि आगे भी बताता रहूंगा, कि आप अच्छे से बेल ड्रेस्ड होके जाओ, है ना, जो जहां पे पहनना है वही पहन के जाओ, पता लगे पैंट ऊपर ना पहन लो, शर्ट नीचे ना पहन लो, ऐसे खुले लोफर की तरह, भाई वहीं जैसे मैं गुंडे की तरह हूं ऐसे गुंडे की तरह चले जाओ, आराम से बाकायदा बेल डिसेंट होके जाओगे, वो जितना पूछेंगे उतना बताओ। और ईमानदारी से अगर आपको किसी प्रश्न नहीं आता तो सीधा बोल दो, इवन दो आई हैव ब्लंडर्ड बट आई एम अनेबल टू रिकॉल इट नाउ। अगर आप थोड़ा सा अंग्रेजी थोड़ा फेंक देते हो तो जान जाएंगे बच्चा कूल है, और ऐसा नहीं है कि
इंटरव्यू आप अंग्रेजी में दो, आप हिंदी में भी दे सकते हो, आप बहुत शालीनता से बोल सकते हो कि सर इसे मैंने पढ़ा था लेकिन इस समय मौजूदा समय में मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मैं क्षमा मांगता हूँ सर, मैं बता नहीं पाऊंगा, इतना बोल दोगे तो वो आपकी ईमानदारी पे और एक जनरल मार्किंग होती है। मतलब अगर आप वेल ड्रेस्ड होके जाओगे, जितना पूछेंगे उतना बताओगे, नहीं आता ईमानदारी से बोलोगे मुझे नहीं पता था, ये मत बोलोगे मैंने पढ़ाई नहीं, ये बोलोगे मैंने पढ़ा है लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बस ईमानदारी से बता दोगे। कुछ तरीके होते हैं बोलने के, इतना अगर सीख लोगे तो आप इस 25 में से कम नहीं तो 15 से 18 नंबर पा जाओगे। और सबसे अच्छी बात है, बस आपको 13 नंबर पाना है 25 में से, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। मार्क्स किसके जोड़ेंगे? मार्क्स आपको इसके जोड़ेंगे। तो अल्टीमेटली आपको फोकस कहां पे करना है? इसमें, इसमें आपको स्कोर का फोकस करना है, बाकी सब में स्कोर आपके आते चले जाएंगे। तो ये 125 है, इस 125 में से आप कम से कम 100 से 105 नंबर लाने का प्रयास करो। अगर इतना आ जाता है आपका तो इतना यकीनन समझो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी है। तो ये लाना कहां से है? जैसे मैंने आपको बताया वैसे पढ़ो, बाकी में एग्जैक्टली एक एक सब्जेक्ट की, जैसे कंप्यूटर का स्ट्रेटजी आशीष सर ने दे दिया, मैथ्स रीजनिंग का मैं अलग से आपको दे दूंगा स्ट्रेटजी, और उसके बाद इंग्लिश का आपको हनीफ सर दे देंगे, जीएस का आपका अन्य सर दे देंगे, मैं ही दे दूंगा, अनु सर दे देंगे, रमन सर दे देंगे, कोई स्ट्रेटजी दे देगा, तो आपको पूरी स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटजी मिल जाएगा, विषयवार जो रणनीति होती है वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई अभी से जारी कर दो, मौका को हाथ से जाने मत दो। वैसे बहुत ही चल रहा है कहीं ना कहीं नौकरियों का देखा जाए तो, इसमें अगर आपके पास मौका आया है तो उसमें भाई कोर्स से जरूर जुड़िए। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, पूरी टीम आपके कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहेगी। कोर्स से जरूर जुड़िए, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद सभी का।